हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है बीकाराम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीआरबी फोटो एंड वीडियोज। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं ग्रीन स्क्रीन व्हाट्सएप स्टेटस टेम्पलेट वीडियो एडिटिंग, वो भी ग्रीन स्क्रीन में। तो दोस्तों, पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और पूरा वीडियो देखेंगे तो आप भी ऐसा एक ग्रीन स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो खुद से बना सकते हैं और उसमें फोटो को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में लगी बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर दें। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कैनवास एप्लिक्स पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे, 9:16 के रेजुलेशन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपके मीडिया ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आ जाना है और एक टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो उसका लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप वो टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर टेम्पलेट वीडियो है जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये है जो हाई क्वालिटी में है तो इसके कैनवास के हिसाब से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये टेम्पलेट वीडियो आ चुका है। टेम्पलेट वीडियो आने के बाद में आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में यहाँ पर स्टार्टिंग पोज पर आएंगे और लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे। लेयर के ऑप्शन क्लिक करने के बाद मीडिया का ऑप्शन क्लिक करेंगे और एक पीएनजी फ्रेम को ऐड कर लेंगे। देन गाइस, ये वाली पीएनजी फ्रेम है, इसको ऐड कर लेना है। ऐड करके आपको बीच में यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर इस तरीके से आपको लगा देना है। थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे, ठीक है, ताकि ब्लब के ऊपर भी नहीं आए और नीचे एकदम से टच भी नहीं हो। इस तरीके से आपको कर देना है। फिर इसकी लेंथ को बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, लेयर के ऑप्शन क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन क्लिक कर लेना है और यहाँ पर इमेज आर्ट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद में इसके कलर को है जो आपको ग्रीन कर लेना है। ग्रीन करने के बाद में नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रॉपिंग का। तो यहाँ पर पहले मैं इसको कलर को है जो सही से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर करके ग्रीन कलर कर देना है एकदम से और फिर नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, क्रॉपिंग के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मार्क्स को इनेबल कर देंगे और यहाँ शेप के ऑप्शन पर क्लिक करके राउंड वाले शेप को सिलेक्ट करेंगे। राउंड वाले शेप को सिलेक्ट करने के बाद में इसको क्रॉप कर लेंगे कुछ इस तरीके से। क्रॉप करने के बाद में नीचे यहाँ पर जो गोल फ्रेम बनी हुई है इसके ऊपर आपको सेट कर देना है। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे। अब आपको है जो जूम आउट करना है, जूम आउट करके यहाँ पर फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर देना है। अब दोस्तों, इस फ्रेम पर आप टैप करेंगे, यहाँ पर फ्रेम पर टैप करेंगे, ग्रीन का जो कलर हमने सिलेक्ट किया था यहाँ पर टैप करेंगे और इसको है जो फुल लेंथ कर देंगे। फुल लेंथ करने के बाद में क्या करेंगे, इस बार वापस से टैप करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करके हमारे तीनों फ्रेम है, तीनों फ्रेम में हम है जो सही से लगा देंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया था, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स दोस्तों सभी के साथ में, ताकि और भी दोस्त हमारे भाई लोग इस तरीके की वीडियो बना सकें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमने दोस्तों तीनों फ्रेम में ग्रीन स्क्रीन लग चुका है। फिर आपको इमेज आर्ट्स पर वापस से क्लिक करेंगे और यहाँ पर वाइट कलर का सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करेंगे, कलर की पर क्लिक करेंगे। पहले हम इसको है जो शेप्स को सही से सेट कर देते हैं। यहाँ पर आपको स्क्वायर साइज को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है। बड़ा करके थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। तो पहले हम ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके यहाँ पर ग्रीन कलर को इस तरीके से सेट कर देना है और फिर राइट के ऑप्शन क्लिक कर देना है। देन गाइस, यहाँ पर जूम आउट करेंगे, जूम आउट करके फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना है। अब दोस्तों, इसको क्रॉप कर लेना है। तो यहाँ पर क्रॉपिंग का ऑप्शन क्लिक करेंगे, फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इस तरीके से क्रॉप कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेम के अकॉर्डिंग क्रॉप करने के बाद में आपको सिंपली बैक आ जाना है और आपकी टेम्पलेट वीडियो बनकर हो जाएगी रेडी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी है जो ग्रीन स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो बना सकते हैं और उसमें अपने फोटो को ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ वीडियो कैसी बनी है। तो दोस्तों, होप करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसकी भी लेंथ को है तो आपको फुल बढ़ा देना। तो पहले मैं इसकी लेंथ को है तो फुल कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी हमेशा की तरह, और लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ किसी एक और नए वीडियो साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।